स्टिल आप यूके में अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं। बहुत से लोगों के डाउट हैं कि डिपेंडेंट बंद हो गई हैं, आज मैं सब आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपको, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं हमजा। T24 में जितने भी रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत से लोगों के डाउट हैं कि डिपेंडेंट बंद हो गई हैं। लोगों को बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे बहुत से जो 2024 में रूल्स इंप्लीमेंट होने हैं, जितनी भी चेंजेस आनी है, मैंने सारी पहले से अपलोड की हूं। आज मैं सब आपको बताऊंगा किन किन रूट्स पे आप डिपेंडेंट ला सकते हैं, किन किन रूट पर आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी न्यू अपडेट्स के लिए। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, बहुत से लोग कमेंट्स वगैरह भी कर रहे थे केयर होम के रिलेटेड, कि केयर होम के जो वीज़ा में इन्होंने जो चेंजेस की है, डिपेंडेंट जो बंद कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं। ये जो न्यू रूल्स चेंज हो रही हैं केयर होम वीज़ा के, उसकी जो डेट है वो 11th मार्च है, ठीक है। 11th मार्च से पहले पहले अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं केयर होम वीज़ा की, तो आप अपने साथ डिपेंडेंट लेके आ सकते हैं, ठीक है। 11th मार्च के बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन 11th मार्च से पहले पहले सबमिट करवा देते हैं और आपकी बायोमेट्रिक डेट 11th मार्च से बाद आती है, बहुत से लोगों का ये डाउट है, उस चीज़ में आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपकी, क्योंकि एप्लीकेशन 11th मार्च से पहले सबमिट होगी हुई है। बायोमेट्रिक अगर बाद में भी हो जाएगी और अगर आपको डिसीजन बाद में भी आएगा तो उसमें आपने बिल्कुल भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आ सकते हैं। सेकेंडली ये कि बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ट्रैवल में कोई इशू तो नहीं होगा, तो भाई साहब सबके लिए मैं आपको डाउट बता दूं कि 11th मार्च से पहले पहले अगर आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवा दी है तो आप अपने डिपेंडेंट साथ लेके आ सकते हैं सब, उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। सिर्फ जो मेन मकसद है वो एप्लीकेशन का है, आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन 11th मार्च से पहले पहले जमा करवानी है, उसके बाद अगर आप सबमिट करवाएंगे तो आपके डिपेंडेंट की एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। पर अगर आप लोगों ने अभी तक ये चीज़ सोच रहे हैं कि यार हम डिपेंडेंट को कैसे लेके जा सके, अभी तो हमारी शादी नहीं है, तो यार वो सारी चीज़ें छोड़ दें। 11th मार्च से पहले पहले अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो अगर आप अपने चाहे डिपेंडेंट अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो आप पहले भी आ सकते हैं, और इस रूल से पहले पहले जो लोग आ जाएंगे वो लोग बाद में भी कभी जो है ना फ्यूचर में अपने डिपेंडेंट को 6 माह बाद 8 माह बाद या साल बाद भी जो है ना अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। मैं आपको दूसरा ये चीज़ बता देता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि डिपेंडेंट बंद हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डिपेंडेंट यूके गवर्नमेंट ने बैन किए हैं वो सिर्फ केयर होम वीज़ा के किए हैं, केयर होम वीज़े को कर देते हैं एक साइड पर, स्टिल आप यूके में अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं। स्किल्ड वर्क वीज़ा पे आप लोग स्टिल अपने डिपेंडेंट ला सकते हैं, उनकी सिर्फ एक जो रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को फुलफ़िल करनी पड़ेगी, जो कि एक सैलरी थ्रेशोल्ड है जो कि अप्रैल के बाद 38,700 आपने फुलफ़िल करनी है, और उसके साथ साथ आप अपने जो है ना डिपेंडेंट को यूके में इजीली ला सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि स्किल्ड वर्क वीज़ा में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, लाइक IT की आ जाती है या सॉफ्टवेयर हाउस की आ जाती हैं या बहुत सी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज। अब आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि यार मुझे IT का स्किल नहीं आता, मुझे सॉफ्टवेयर का नहीं आता, तो भाई साहब उसमें आप लोग कैफ़े मैनेजर भी आ सकती हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर भी आ सकती हैं, या आप लोग आप प्लम्बर्स अगर आपके पास प्लम्बर का कोई स्किल्ड है या आपका कंस्ट्रक्शन का कोई स्किल्ड है तो आप उन स्किल्ड को भी जो है ना अवेल कर सकती हैं ईजीली UK में। और ये सारे रेफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ कि ईजिली आपने UK की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है और जाके जो हमें वहाँ पे अपने कैटेगरी देख लेनी है कि कौन कौन से स्किल्ड वर्क वीज़े जो है ना आप लोग अवेल कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि यार अगर आप लोग किसी थर्ड पर्सन से अपना वर्क वीज़े का काम करवा रहे हैं तो ये चीज़ आपने लाजमी मेक श्योर करनी है कि आपने वर्क वीज़ा जिससे भी लेना है वो लाजमी कन्फर्म करना है कि आया कि वो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है भी या नहीं, ठीक है। कंपनी ओरिजिनल होनी चाहिए और आपका काम भी जो है ना सारा जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको वर्क वीज़ा दे देती हैं लेकिन उनके पास आरजी नहीं होते काम करने के लिए, और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं कंपनीज के नाम हैं लेकिन उनके पास तो काम ही नहीं है, तो आके आप यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे, आके आप अपने गवर्नमेंट को टैक्सेस कहाँ से निकाल के देंगे। तो आपने ये चीज़ लाजमी मेक श्योर करनी है कि आपको काम वो प्रॉपर आपके साथ एक एग्रीमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें आपने देखते हुए अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करने। यार उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, तो जितने भी दोस्त आ रहे हैं जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका भाई हाजिर है, किसी भी किस्म की कोई अगर आपको स्टिल अभी भी डाउट है या कोई भी कंसर्न वगैरह किसी किस्म की कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो आप मुझे पर्सनल इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन भी आपके लिए हमेशा के लिए तरह खुला हुआ है, आप वहाँ पे भी जो है ना कमेंट करके कोई भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।